हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी? बेंजोइन कंडेंसेशन, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया करती है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं। तो हम लोग आज बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग कौन सी रिएक्शन सीखेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन से हम लोग क्या बनाया करते हैं, बेंजली, ठीक है। क्या बनाएंगे बेंजोइन से, क्या बनाएंगे, बेंजिलिक। बेंजिलिक कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी आज हम आपको सिखाएंगे। बेंजिलिक का फार्मूला क्या होता है, बेंजिलिक का फार्मूला होगा ये इस तरह से, क्या होता है ये बेंजिलिक का फार्मूला होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक। अगर नहीं दिख रहा, ये पीएच मान लो, ये सीओ मतलब डाई कीटोन टाइप का बना होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिल, ठीक। बेंजिल बेंजिलिक कंडेंसेशन, ये भी होती है एक रिएक्शन, लेकिन आज हम लोग कौन सी पढ़नी है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन किस पर रिएक्शन होती है, बेंजाल्डिहाइड पे। बेंजोइन कंडेंसेशन किस पर होती है, बेंजाल्डिहाइड पे। तो बेंजाल्डिहाइड का जो फार्मूला लिखने की जो कंडीशंस होती हैं वो किस तरह से, ऐसे भी बेंजाल्डिहाइड को लिख सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग में भी लिखा जा सकता है। और अगर हम लोग इसको और भी ज्यादा ब्रेक करके, इस बेंजीन रिंग को हम लोग क्या मानेंगे, पीएच, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल, पीएच सी एच डबल बॉन्ड ओ, एच को कंबाइन करके ओ डबल बॉन्ड, और पीएच का मतलब होता है फिनाइल, और इसका एक क्या होगा, इसकी फॉर्म होती है सी सिक्स फाइव, मतलब या तो पीएच बना दो या तो फिर सी सिक्स फाइव, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो समझ जाइएगा यहाँ पे सी सिक्स फाइव का भी यूज करेंगे। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, बेंजाल्डिहाइड का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरे पास रहा बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड पे रिएक्शन करते हैं केसीएन की, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत कम अमाउंट लेते हैं, कैटालिटिक अमाउंट ली जाती है केसीएन की, और ये जो मेरे पास बनता है इस तरह का फिनोमिना, इसे हम लोग बेंजोइन बोला करते हैं। लेकिन यहां पर जो बेंजाल्डिहाइड है, इसके दो मोल्स यूज में आते हैं, इसके दो मोल्स का यूज किया जाता है। तो एक हमने पीएच बताया, पीएच की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बेंजीन रिंग, तो इसके जगह पे हमने बेंजीन रिंग लगाया। बेंजाल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है केसीएन, इस तरह से मेरे पास ये जो पीएच की जगह हमने क्या लगा दी, बेंजीन रिंग लगा दी। यहां पर भी आप बेंजीन रिंग कर लें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन। तो यह नाम क्या बना है, बेंजोइन, नाम क्या बना, बेंजोइन। अब देखो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, तो मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम आपको बहुत बहुत ज्यादा आसान तरीके से इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, जो कि एग्जाम में आना ही होती है। तो हम लोग कैसे केसीएन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे केसीएन को ब्रेक करेंगे तो के प्लस और सीएन माइनस होगा, के प्लस और सीएन माइनस। अब हम लोग क्या करो, बेंजाल्डिहाइड लिया, बेंजाल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड, क्या करोगे भाई, ये ले लो डबल बॉन्ड ओ, ये रहा एच, और मेरे पास क्या आया, सी एन निगेटिव, सी एन निगेटिव। ये क्या मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता, कहाँ पर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये इसका इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा क्या होगा, ब्रेक होगा न्यूक्लियोफाइल से। फिर क्या किया, जैसे हम लोग इसको ब्रेक किए तो पी एच सी यहाँ पे आएगा माइनस, ये रहा सी एच, और यहाँ पे आ गया मेरे पास सी एन। बताइए ये बात मेरी समझ में आ गई, बताइए ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या आया, O माइनस, यहां पर क्या आया, CN। भाई ब्रेक करके देख लीजिए, कार्बन पे प्लस, प्लस माइनस से क्या हो गया, CN का हमने बॉन्ड बना दिया। अब कंडीशन क्या होती है, एक इसमें स्टेप आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेरे पास फिनाइल है, ये असल में यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग ये निगेटिव चार्ज निगेटिव पर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर ये वाला निगेटिव चार्ज, अगर इस निगेटिव को इस तरह से, भाई पी एच की जगह हम लोग बेंजीन बना सकते हैं, यहाँ कुछ समझाना है स्पेशल इसलिए बनाया है। ये क्या हुआ मेरे पास, ये रहा मेरे पास सी एच, ये आया मेरे पास सी एन, और यहाँ पर था मेरे पास ओ माइनस, यही तो है, पूरा सिस्टम चेंज किया हमने, इसको चेंज किया। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो सकता है, इसका जो निगेटिव है, जो ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये निगेटिव यहाँ पर भी आ सकता है, और एच कहाँ पहुँच गया, ऊपर। जैसे ही एच ऊपर गया तो यहाँ पर जो बनने वाली चीज है क्या हो गया, ओ एच, निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब यहां पर क्यों ले आए, यहां पर इसलिए ले आए, ये जरूरत क्या है, क्योंकि निगेटिव चार्ज, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ भी कर सकते हो, रिएक्शन को कराना है, पहले क्या आया, प्रोडक्ट, उसी हिसाब से हम लोग मैकेनिज्म करने लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, होता है ये नहीं, हुआ होगा, पता नहीं तो हम लोग प्रोसेस कौन सा होगा, तो हुआ होगा वाला जो कॉन्सेप्ट होगा,
उसको हम लोग लगाते हैं। तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, बेंजीन रिंग पर अगर मेरे पास जैसे CH2 नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है भाई, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस से ये नेगेटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाया करता है। और आपने पढ़ा होगा ये जो CN नेगेटिव है ये क्या होता है, माइनस साइन लगाता है, माइनस साइन का मतलब, और माइनस साइन साथ साथ में कैसा है, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है कोई भी कोई ग्रुप पुल करता है तो इसका मतलब वो कार्बन कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल यहां से क्या करेगा, ये रेजोनेंस होगा। तो यहां पर नेगेटिव इससे O- से इस जगह पर कार्बन वाली कंडीशन पर, कार्बन वाली पोजीशन पर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाया करता। ये तो मेरे पास फर्स्ट मोल था, फर्स्ट मोल किसका लिया था, बेंजल डाइड जिसमें कैटालिटिक CN नेगेटिव का हम लोगों ने अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराई थी, कौन सी रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाम भी लिख लेना, क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये अब मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया, ये इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल बना, इस जगह पर क्या हो गया भाई, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बन के तैयार। जब ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया अब क्या करोगे, अब हम लोग इसका लेंगे एक दूसरा मोल, जो सेकेंड मोल है हमारे पास, देखना सेकेंड मोल मेरे पास क्या है, सेकेंड मोल हमारे पास आएगा पी एच सी एच डबल बॉन्ड ओ। हम लोग क्या करो, इसको ब्रेक करेंगे, ओ पर फिर से माइनस, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके कार्बन पर अटैक मार देगा, समझ रहे, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लो भाई, आना चाहिए बस कुछ भी करो, आना तो चाहिए ही, नहीं आया तो सब काम गड़बड़, मेरा तो आपसे प्रॉमिस है, हमने तो आपसे प्रॉमिस कर दिया कि भैया इसको हमने ऐसे लिख दिया, इस चीज को ऐसे लिख दिया, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक किया, इस पर यहां आ गया मेरे पास माइनस। तो असल में मेरे पास अब जो बन रहा होगा इसको अगर हम हटा दें, लो हटा दिया, आपको कन्फ्यूजन हो रही थी तो यहां से हम ये लो साफ कर दिया, बिल्कुल खत्म, ठीक। अब क्या हुआ, अब देखना इस स्टेप को जो हम लोग कंप्लीट किए स्टेप, अब इसमें जो मेरे पास बनने वाली जो चीज है ये देखना ध्यान से, ये मेरे पास रहा बेंजीन, इस वाले को पहले ड्रॉ कर रहे हैं, इसको पहले ड्रॉ कर रहे हैं, ये आप देखिएगा O माइनस, ये मेरे पास CH है, यहां पर मेरे पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लस और ये माइनस मिलकर के क्या करोगे, C यहां पर है OH, नीचे क्या लगा CN, और यहां पर मेरे पास क्या है बेंजीन का रिंग, बताइए इतना समझ आया। अब क्या हुआ, अब इस स्टेप में एक बार फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो निगेटिव था, हम रिवर्सिबल के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये निगेटिव दोबारा फिर से यहां पे आ सकता है भाई, स्टेबल तो दोनों ही जगह है ना भाई, चेंज हो सकता है अपने में भाई, चेंज हो सकता है ये निगेटिव फिर से ऑक्सीजन से फिर से कार्बन में, वो तो कहीं भी जा सकता है, इसलिए हम लोग नाम क्या लिख देते हैं वहां पर, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां पर भी अब हम लोगों ने रिवर्सिबल लिखा, अब क्या होने वाला नई चीज, अब हम लोग करते हैं H+ ट्रांसफर। जब हम लोग क्या करेंगे H+ ट्रांसफर, ये H इधर आएगा, निगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया, इस वाले ऑक्सीजन पे, समझ रहे, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या पहुंच गया, निगेटिव चार्ज पहुंचा। जैसे ही वहां पर निगेटिव चार्ज पहुंचा, ध्यान से समझना, ध्यान से बहुत ध्यान से, CH, ये H यहां आया, ये बन गया OH, ये रहा C, यहां पे है मेरे पास CN, ऊपर क्या है भाई, निगेटिव, जैसे ही निगेटिव है यहां पर मेरे पास क्या रहा, बेंजीन का रिंग। अब देखना बहुत बड़ी बात अब हम आपको बताने वाले हैं, यहां से ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, CN निगेटिव बाहर जाएगा, ये अपना क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, भाई CN निकलेगा तो कार्बन पे क्या आया, प्लस, और प्लस और माइनस मिला करके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे, इधर देखना प्रोडक्ट देखिए कि क्या आया, ये रहा मेरे पास बेंजीन का रिंग CH, ऊपर मेरे पास क्या है OH, यहां पर C, CN तो बाहर हो गया, क्या कौन सा चार्ज है, प्लस, O पर क्या था माइनस, प्लस माइनस से क्या करते हैं हम लोग बॉन्ड बना देते हैं, और साथ में पीछे से एक और क्या लगा हुआ है, बेंजीन का रिंग। अब आपको ये प्रोडक्ट कौन सा मिला, ये मिल गया हमको बेंजोइन, क्या मिल गया आपको बेंजोइन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन बेंजोइन से हम लोग बेंजिल भी बना लेते हैं, बेंजिलिक, ठीक है, बेंजिल नहीं बेंजिलिक। तो देखो कैसे बनाएंगे बेंजिल, कैसे बनाएंगे बेंजिलिक, कैसे बनाते हैं, ये सब भी हम आपको बता देते हैं, बहुत अच्छे से बनाइए, इसको कॉपी कर लें, पॉज कर लें, कॉपी कर लें, कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो दो रिएजेंट्स होते हैं, कौन कौन से, आपने पढ़ा होगा एक टॉलेंस, ठीक है, टॉलेंस क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, या तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Ag2O, ठीक। एक मेरे पास होता है फेंटन्स रिएजेंट। तो फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2, ये क्या काम करते हैं, कभी भी
कभी भी इस तरह का लिखा होगा, कभी भी इस तरह, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, कन्वर्ट कर देता है CO। हमने आपको एक स्पेशल लेक्चर में भी इस चीज़ को हमने बहुत डिस्कस किया था कि ये बेंजिल बनाने में बहुत यूज़ आता है, बेंजिल बनाने में यूज़ होगा। तो जैसे कि मेरे पास कौन सा ग्रुप था, अभी ये रहा मेरे पास CH OH C डबल बॉन्ड O, ये रहा मेरे पास कौन, बेंजोइन। बेंजोइन के ऊपर अगर हम लोग कौन सा डाल दें, Ag2O, या तो भाई दोनों में से कोई भी लिख देना, या फिर ये टॉलेंस हो गया, ये टॉलेंस टेस्ट। और दूसरा कौन सा है मेरे पास, फैंटेंस। फैंटेंस में क्या लिखोगे, FeSO4 H2O2, तो इससे जो आंसर आया CO। ये जो मेरे पास कौन सा है OH, कौन सा है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहां से मेरे पास जो चीज बनके तैयार हो गई, ये डाई कीटो वाली जो चीज होती है बेंजीन के साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजिल, बेंजिलिक कंडेंसेशन। तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, आपको मालूम होगा टॉलेन कभी भी, टॉलेन टेस्ट, कीटोन जितने भी होते हैं, एल्डिहाइड कोई भी हो, मतलब एल्डिहाइड कोई भी हो, अगर टॉलेंस की बात करेंगे, ठीक है, टॉलेंस की, ये टेस्ट दे देगा। लेकिन कीटोन की बात करें तो लोग क्या बताएंगे, नहीं देता। लेकिन दुनिया का एक अकेला कीटोन ऐसा है, मतलब कहीं भी इस तरह का अगर अरेंजमेंट है इस तरह का, वो चाहे यहाँ पर CH3 ऐसा भी हो सकता है, CH3 OH CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ ऐसा भी हो सकता है CH3 OH CH CO, यहाँ पे रहा मेरे पास बेंजीन रिंग बना दो, pH लिख दिया, तो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, लेकिन आंसर क्या आएंगे, CH3 CO CO CH3, इससे भी आंसर क्या आएगा, CH3 CO, और यहाँ पे भी CO, यहाँ रहा pH। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाए, लेकिन इसका नाम स्पेशल नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखना, बेंजिल। ठीक, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक, बेंजोइन कंडेंसेशन भी हमने आपको बता दिया, इससे बेंजिल कैसे बनाते हैं, बेंजिल हमने कन्वर्ट करना आपको सिखाया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, बेंजिल, बेंजिलिक कंडेंसेशन।